Manyama. मार्च के महीने के हजे दो ही हफ्ते बीते ने, लेकिन एक स्टार है जिसने सारे के दिलों के उत्ते राज किया हो हर पास सुर्खियां बटोरिया हुई ने। असी गल कर रहे हैं जी दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत दोसांझ ने सुर्खियां बटोरिया शुरू कीतियां मार्च के पहले हफ्ते तो ही। दरअसल उस वेले फिल्म चमकीला की जिक्र जो सीगा वो शुरू होया, उसके फस्ट लुक्स बार आने शुरू हुए, ऑफिशियली उसके उत्ते गलबात शुरू हुई, तो नैटफ्लिक्स का एक इवेंट होया जिथे दिलजीत दोसांझ पहुंचे अपनी पूरी टीम के नाल। उत्थे भी उन्होंने जो जो गल्लां कहियां सुपर वायरल हुई हैं। जिस तरह उन्होंने कहानी दसी थी कि मैं जोड़ी फिल्म बना चुका सी, उस तो बाद इम्तियाज अली ने कॉल करके कहा कि हाँ जी मैं एक फिल्म बनाना चाहना। उन्होंने लग्या कि साढ़े उत्ते केस कर देंगे जे मैं उन्होंने दस्या कि जोड़ी फिल्म बना चुके हैं असी। तो फिर उन्होंने जो है कहानी इम्तियाज तो सुनी, तो इम्तियाज ने कहा कि मैं सिर्फ तुहानू ही लेना चाहना उस फिल्म के लिए। उस फिल्म के नाल जो सुर्खियां बटोरियां से वो बटोरियां, हालांकि वह फिल्म अगले महीने रिलीज़ होनी है, लेकिन उस तो बाद जिदा ही अंबानीज के फंक्शन शुरू हुए, जिनी चर्चा रियाना की सी तो 100 गुना ज़्यादा चर्चा दिलजीत दोसांझ बटोर गए। जब उन्होंने धुंद उत्ते बॉलीवुड नचया, तो उस तो बाद भी लगातार उन्होंने वीडियोज से उन्होंने अंदाज फुल ऑन वायरल होंदे देखे, जिथे नीता अंबानी के नाल गलबात करते देखे। होर तो होर जो भी वीडियोज़ दिलजीत दोसांझ के सामने आई हैं उसके उत्ते फैनस ने बेहद खुशी जाहिर की। उस तो बाद दिलजीत दोसांझ अपनी परफॉर्मेंस तो बाद फ्री होकर पहुँच गए पहाड़ों के विच, तो पहाड़ों तो भी जो दिलजीत दोसांझ ने वीडियोज़ रिलीज़ कीतियां वो लोगों के दिलों में छू गईं। उस शिवरात्रि जो पर्व से वह भी उन्होंने सैलीब्रेट किया। वह सारिया चीज़ा जो है वह दिलजीत दोसांझ ने लगातार सब के साझिया कीतियां, यानी कि जिन्हें 14 दिनों के इको बॉलीवुड का ऐसा पंजाबी ऐसा सितारा है, बॉलीवुड भी उन्होंने हूँ फुल ऑन चर्चा हैगी है, वो एक ऐसे इकलौता सितारा बन गया जिसकी फुल ऑन चर्चा है। तो दिलजीत उन्होंने हर चीज़ के लिए फैनस पसंद करते हैं। फिलहाल उन्होंने बॉलीवुड के फिल्म क्रू आने वाली है, तो ओ टी टी के उत्ते चमकीला भी रिलीज़ होने वाली है।